आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मेंसुरेशन या फॉरेस्ट बायोमेट्री, दोनों लगभग एक ही शब्द है। फॉरेस्ट मेंसुरेशन में जो मेंसुरा है उसका मतलब होता है मेजरमेंट करना, और फॉरेस्ट बायोमेट्री में बायो का मतलब हुआ लिविंग थिंग, कोई जिंदा वस्तु, और मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट, यानी कि वो साइंस या वो आर्ट जिसमें हम लिविंग थिंग का जो डाटा है यानी कि उनका जो मेजरमेंट लेते हैं वो है बायोमेट्री या मेंसुरेशन। फॉरेस्ट मेंसुरेशन मतलब फॉरेस्ट वाली चीज़ों का मेजरमेंट लेना, तो वो रहा अपना फॉरेस्ट मेंसुरेशन। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस ये है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन लिखें और अगर क्वेश्चन में फॉरेस्ट मेंसुरेशन आ रहा है तो बेटर है आप मेंसुरेशन के साथ साथ वहाँ अगर बन सके तो फॉरेस्ट बायोमेट्री को कोट करें, तो टीचर को भी लगता है कि हाँ बच्चे ने थोड़ा अच्छा पढ़ा है, इसे समझ है उस सब्जेक्ट की, तो मार्किंग में ज़्यादा गेन करने में थोड़ा आसान जाता है। अब समझते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सिल्वीकल्चर डिस्कस कर लिया है बेसिकली, और एक और है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये दो सब्जेक्ट की मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ही सब्जेक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक बोला गया कि किसी एरिया का ग्रोविंग स्टॉक कितना है, जैसे कि अपने पास एक हेक्टर का एरिया है वहाँ पर कितने पेड़ खड़े हुए हैं और वो टोटल जो वॉल्यूम वहाँ पर खड़ा हुआ है वो है उसका ग्रोविंग स्टॉक, तो वहाँ पर ग्रोविंग स्टॉक कितने मीटर क्यूब है, कितने घनफुट वहाँ लकड़ी खड़ी हुई है, ये मालूम आपको कैसे पता पड़ेगा, उसका आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जो मेजरमेंट लेने का जो तरीका है कि आप उसका कैसे मेजरमेंट लोगे, वो मेजरमेंट की जो स्टडी करते हैं यानी कि वो तरीकों को जो स्टडी करते हैं वो जिस फॉरेस्ट की ब्रांच के अंदर की जाता है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन या फॉरेस्ट बायोमेट्री या जस्ट बायोमेट्री भी बोल देते हैं। यानी कि इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जैसे ग्रोविंग स्टॉक की जो वॉल्यूम कितना है उसे कैलकुलेट करना, ये जो ग्रोविंग स्टॉक में जो पेड़ खड़े हुए हैं उनकी एज कितनी है उसे कैलकुलेट करना, अगर इसका वेट लेना हो कितना हुआ वो मेजर करना, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। अब बेसिक एक मोटा माटी समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग इस सब्जेक्ट में और क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो मेजरमेंट वाले जो अपने काम हैं, मेजरमेंट में हम लोगों को दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हम स्टार्टिंग में तो यही समझ लेंगे कि मेंसुरेशन क्या है, फिर जब मेजरमेंट के काम आएंगे तो अपन यहाँ तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो है वॉल्यूम देखेंगे, जो भी अपने पास चीज़ें हैं उनका वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, उनका वेट कैसे करते हैं और उनकी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। या वॉल्यूम का सेंस है जैसे कि अपने पास टीक है, आपके खेतों में टीक खड़ा हुआ है, आप जब उसे मार्केट में बेचोगे तो आप उसे वॉल्यूम के हिसाब से बेचते हो कि आपके पास कितने घनफिट लकड़ी है, कितने घनफिट टीक की लकड़ी है, कितने घनफिट साल की लकड़ी है, तो ये जो टिम्बर है वो वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। लेकिन ऐसी लकड़ी जिससे हम कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कि चंदन है, खैर है, खैर अकेसिया कटिचू और चंदन दोनों में, सेंटिलम एल्बम दोनों में हम लोग उसकी जो लकड़ी है उसे हम एक्चुअल में वॉल्यूम में ना बेच करके उसे हम वेट के हिसाब से बेचते हैं। जो अपनी फ्यूल वुड है उसे कोई साइज शेप से वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं होता है, उसे हम जलाऊ लकड़ी को वेट में बेचते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ टिम्बर ज़्यादा वैल्यू नहीं है वहाँ वेट का जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो वहाँ पर हम वेट को स्टडी करेंगे। तीसरा मुद्दा होता है एज का, हमें हमेशा एज को ध्यान देना होता है। क्यों? जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके खेत में 50 या 500 मीटर क्यूब लकड़ी का प्रोडक्शन हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 50 मीटर क्यूब लकड़ी का प्रोडक्शन जो है वो कितने टाइम में होगा। तो अगर आप आसपास के जो पेड़ हैं, जो मेजरमेंट हैं, उसमें ये देखोगे कि यहाँ पर 500 मीटर क्यूब की जो लकड़ी है उसे प्रोड्यूस होने में 10 साल लग गए, तो आपको एक एवरेज आइडिया पड़ जाता है कि अच्छा इतना मीटर क्यूब होने में 10 ईयर का टाइम लगता है, जिससे आप अपनी जो कैलकुलेशन उन्हें प्रॉपर वे में कर सकते हो, ग्रोथ रेट पेड़ की क्या है वो चीज़ें निकाल सकते हो। तो यहाँ तीन चीज़ें बेसिकली हम मेजर करेंगे, वॉल्यूम, वेट और एज। अब पेड़ों के वॉल्यूम के साथ थोड़ा इशू आ जाता है। वॉल्यूम के साथ क्या इशू है कि यहाँ के जो पेड़ हैं, कोई भी अपना पेड़ जो है
ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी पेड़ जो है वो बिल्कुल सीधा हो, सिलेंड्रिकल हो। अपने जो ट्री होते हैं वो जनरली ऊपर से, अपने जो ट्री है वो ऊपर से थोड़े सकरे होंगे और यहाँ नीचे जाते जाते वो चौड़े होते जाते हैं, नीचे मोटे होते हैं, ऊपर सकरे होते हैं। तो अगर आपको इस टिम्बर का या ट्री का वॉल्यूम निकालना हो, क्योंकि फाइनली हमारा जो पर्पज है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्केट में टिम्बर बेचता है वो डायमीटर हाइट से किसी को फर्क नहीं होता है, वो सीधा देखते हैं कितने घनफिट लकड़ी है। जब भी बोली लगती है, इनकी ऑक्सीनिंग होती है फॉरेस्ट डिपो में, तो सीधी वॉल्यूम से होती है। अब इस पेड़ का वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले एक तो चीज़ पता होनी चाहिए आपको, इसकी डायमीटर क्या है। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, जो अपना 2R होता है। या तो आपको डायमीटर पता हो या इसकी पेरीफेरी, जिसे गर्थ बोल देते हैं, पेरीफेरी, या तो पेरीफेरी पता हो इसका या डायमीटर पता हो। एक तो ये चीज़ मालूम हो। दूसरी, ये जो टिम्बर है इसकी हाइट कितनी है? अगर इसकी आपको हाइट मालूम है, इसका डायमीटर पता है, तो आप कुछ मोटा माटी में वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये सिलेंड्रिकल है, जैसे कि अपना जो सिलेंडर होता है इस टाइप से, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि इसका एरिया कितना है? इसका एरिया होता है अपना पाई आर स्क्वायर इंटू, ये एल हो गई इसकी लेंथ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो इसका वॉल्यूम निकल आया। लेकिन इसका तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी टैपरिंग यहाँ यहाँ से ऊपर सकरा होता जा रहा है, जिसे बोलते हैं टैपरिंग, सकरा होता जा रहा है टिम्बर। तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ टैपरिंग है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। यानी कि वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हमें वॉल्यूम मेजरमेंट की प्रोसेस में जाने से पहले हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो इसका डायमीटर क्या है, फिर इसकी हाइट क्या है, और फिर इसका रेट ऑफ टैपरिंग क्या होगी। तो इस टाइप से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। सबसे पहले हम इसकी डायमीटर मेजरमेंट के इशू देखेंगे, फिर हाइट पे चलेंगे, फिर हम इसके रेट ऑफ टैपरिंग या ट्री फॉर्म को पढ़ेंगे, फिर हम इसके वॉल्यूम पे जाएंगे, फिर बकाया के अपने धीरे धीरे करके चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब बात ये आती है कि जैसे इसी सब को जो हमने देखा है उसको एक साथ देख लेते हैं कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। डायमीटर या गर्थ, हाइट, रेट ऑफ टैपरिंग, और तब आएगा इसका वॉल्यूम। इसके बाद फिर हम उसकी एज और जो वेट है वो बायोमास देख लेंगे। इसी में ये भी स्टडी कर लेंगे कि आखिर जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ जो है वो जीव एकदम एक सी नहीं होती है। जीवन के अलग अलग पहलू में अलग अलग टाइम पीरियड पे उसकी ग्रोथ रेट फर्क होती है। तो उसकी जो ग्रोथ है उसको भी देख लेंगे, जिसमें अपने स्टम्प एनालिसिस है, स्टेम एनालिसिस है, उन चीज़ों को देख लेते हैं, बार्क थिकनेस है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं ट्री लेवल पर, इंडिविजुअल ट्री लेवल पर। अब ये पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि पहले 100 पेड़, 200 पेड़ों का ऐसा डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा को एक टेबल में बना के रख देते थे, जिस उन्हें पता पड़ जाता था कि 1000 पेड़ों का सपोज उन्हें हाइट ले ली और डायमीटर ले ली, और टेबल में पुट करने से क्या हो गया, उन 1000 पेड़ों का एवरेज हाइट, एवरेज डायमीटर और उसका एवरेज वॉल्यूम। यानी कि वो एवरेज से ये पता पड़ जाता था कि अगर किसी पेड़ की हाइट इतनी है और उसका डायमीटर इतना है, तो उससे अपन को जो टिम्बर मिलने वाला है वो लगभग इतने वॉल्यूम का टिम्बर मिल जाएगा। तो ये जो जुगाड़ वाले काम चलते थे उसे बोलते हैं यील्ड टेबल। तो पहले यील्ड टेबल का काम बहुत होता था, तो ये यील्ड टेबल को भी डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें ट्री की ये है, ये तो इंडिविजुअल ट्री लेवल पर रह गए। फॉरेस्ट में जब इन चीज़ों को किया जाता है तो पूरा एक एक्सरसाइज की जाती है, मतलब पूरा एक अभियान चलाया जाता है, जैसे स्वच्छता अभियान है, पूरे सबके सब सुबह आ गए गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ और चल देंगे। तो वैसे ये सारी चीज़ों के डाटा कलेक्शन की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट इन्वेंट्री। फॉरेस्ट इन्वेंट्री को वेस्टर्न कंट्रीज में बोला जाता है फॉरेस्ट इन्वेंट्री, अपने यहाँ बोला जाता है इन्यूमरेशन। बिल्कुल ये जैसे जनसंख्या गणना होती है अपनी, सेंसस होता है, बस वो ये जंगली जो पेड़ है उनकी सेंसस है, पेड़ों की सेंसस, फॉरेस्ट इन्वेंट्री। अब ये क्या है, ये तो रहे पुराने तरीके। आज के टाइम पर डिजिटल सेंसर्स आ चुके हैं, रिमोट सेंसिंग है, तो उनसे करने लगे। तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन के लास्ट में अपना एक अगला सब्जेक्ट रहेगा रिमोट सेंसिंग, तो उसमें ये डिस्कस कर लेंगे।
आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, कल संडे है तो कल संडे में ना केवल अपनी ये मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे बल्कि रिमोट सेंसिंग अगर पॉसिबल हुआ तो इसे भी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे अपना 26 जनवरी के आसपास तक कम से कम फोर्थ मॉड्यूल है वो हाफ तो हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या होती है, आप लोग समझते हैं कि हमें डेफिनेशन का क्यों सेंस है, क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए लिखना हो आपको तो इंट्रो में आसान जाता है। मेंसुरेशन का मतलब फॉरेस्ट्री की वो ब्रांच या वो साइंस जिसके अंदर हम पेड़ जो है, कोई भी ट्री है, उनके डायमीटर है, उनकी हाइट है, एज है, वॉल्यूम है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन है इसी को क्या बोलते हैं, और हम फॉरेस्ट बायोमेट्री, दोनों सेम थिंग है। डेफिनेशन हो गई आपको। अब बात आती है कि जब आपको इसी में कि आप करते क्यों, ये जो मेजरमेंट वाली जो एक्सरसाइज है इन्हें करना क्यों होता है, हमारे लिए नेसेसरी क्या है। तो फर्स्ट थिंग है कि जैसे सिल्वीकल्चर के ही ले लेते हैं हम, वहाँ पर बहुत सारे टाइप के सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन करते हैं। इसे आप ऐसे समझ लेते हैं कि आपके पास दो फार्म रहते हैं, दो फार्म है, एक एरिया आपके पास ये है, एक एरिया आपके पास ये है, इसमें अभी आपके पास 1000 ट्री है और इसमें अभी आपके पास 1000 ट्री है। आप क्या करते हो, इसमें इरिगेशन यानी कि पानी देते हो, प्लस फर्टिलाइज़र, इसमें फर्टिलाइज़र भी देते हो, मैं इसे फर्टिलाइज़र ऐप से लिख देता हूँ, और इरिगेशन आई से देखता हूँ, और इस एरिया को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। दोनों की क्रॉप ग्रोथ करती है, आपने इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 1000 का। अब आप ये देखना चाहते हो कि आखिर 1000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या इसका जो वॉल्यूम है उसमें कुछ फर्क पड़ा है, यानी कि आपके दो खेतों में फसल लगी है, एक तो ऐसी नॉर्मल चल रही, एक में आपने पानी भी दिया है, फर्टिलाइज़र भी दिया है, तो ये जो क्रॉप है उसमें क्या ग्रोथ हो रही है। अगर इसकी ग्रोथ की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेटर है, यानी कि वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस किया कि उसने आपकी जो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था वो निकल गया, प्लस थोड़ा और पॉजिटिव मिल गया, यानी कि इसमें आपने जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया उसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इस टाइप के जो हम सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट देते हैं, प्रूनिंग कटिंग है, क्या उनका कुछ क्रॉप की वॉल्यूम पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस टाइप की जो सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट हो रहा है इसको अगर मेजर करना है तो आपको कहीं ना कहीं पेड़ों का ये डाटा तो कलेक्ट करनी पड़ेंगे। तो इस टाइप के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम है वहाँ पर इसे यूज करेंगे। दूसरा होता है इसका टैक्सेशन में, एक जहाँ भी फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं सभी जगह हो जाता है। जैसे अगर आप IFS बन जाते हैं, आपके पिताजी के पास, फादर के पास 100 हेक्टर का एरिया है, बड़े जमींदार थे, आप सोचते हो यार एरिया में हम तो खेती करने वाले हैं नहीं, 40 साल 20 साल जो भी आपकी है जॉब करके आप वापस आओगे तब कुछ देखा जाएगा। तो आप क्या करते हो कि अपने एरिया में टिक की प्लांटेशन कर देते हो, आराम से 20-25 साल सर्विस करते हो, जब रिटायर होके आते हो तो वहाँ पर टिक की प्लांटेशन बड़ी हो चुकी होगी, अब आप शुरू कर रहे हैं उसकी कटाई, जिससे मार्केट में बेच के आप पैसे कमा लो। जब आप ऐसे करने लगोगे तो क्या गवर्नमेंट बैठी रहेगी, टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी अपने झोली लेके आ जाएंगे और बोलेंगे भाई कुछ इधर भी दे जाओ, तो वो कितना टैक्स लगेगा आप पर, जो डिपार्टमेंट है वो मेजर करेगा कि आपके पास कितने घन फिट, कितने मीटर क्यूब टिम्बर खड़ा हुआ है, और अगर इतना घन फिट टिम्बर खड़ा हुआ है तो इसकी मार्केट वैल्यू इतने करोड़ हुई, और इस पर 18% 20% जो भी परसेंट लगा टैक्स वो लगा लेंगे। इस टाइप से टैक्स की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। टिम्बर की ट्रेडिंग होती है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ब्लॉक डिपो होते हैं, फॉरेस्ट डिपो जहाँ पर टिम्बर को स्टोर करके रखा जाता है, वहाँ पर भी टिम्बर की बोली लगाई जाती है, तो कैसे लगेगी आपको, वॉल्यूम से ही काम चलेगा। तो यहाँ पर जैसे रिसर्च है, बेसिस ऑफ सेल है, प्लान, कहीं कुछ प्लानिंग करना है आपको, इंडस्ट्रियल वगैरह वर्क प्लान है कुछ भी, तो आपको एक मालूम होना चाहिए कि आपके फॉरेस्ट एरिया में कितना वॉल्यूम खड़ा हुआ है, इसे कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, तो आपको मेजरमेंट की ज़रूरत हर जगह पड़ी जाती है। जैसे यहाँ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कहीं भी अपन को फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का काम है वो जर पड़ जाती है, मैनेजमेंट तो आप तब करोगे ना जब आपको जंगल की जानकारी हो कि आपके यहाँ कितनी स्पीसीज है, कितनी घनफिट जो लकड़ी है वो टिम्बर कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है,
उसका वेरिएशन क्या, तो उसे वो चीज़ें मैनेज करने में आसान जाती हैं। तो ये सारी जगह हम लोग मेजरमेंट का यूज कर लेते हैं, देख लेना ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ ऐसी है नहीं कि कुछ स्पेसिफिक हो। अब आता है इसमें कि मेजरमेंट के टाइम पे हम बहुत सारे टाइप की यूनिट्स को यूज करते हैं। FPS है, CGS है, दो सिस्टम थे। इसका यहाँ अपने IFS से कोई लेना देना नहीं है। इसी यहाँ नोट्स में केवल इसलिए डाला गया है कि आप में से मेजोरिटी के साथ ही होगा कि IFS अगर नहीं निकलता है और वो स्टेट की भी देना चाहते हैं, स्टेट ACF या स्टेट RF का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और क्योंकि अपने यहाँ मेजोरिटी जो स्टेट है ऑलमोस्ट 40-50% स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी फॉरेस्टी में कहीं ना कहीं या तो जो पेपर आता है मेंस का उसी में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होता है ऐसे हैं, या फिर मीन्स मिक्स टाइप के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हैं या पूरे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऐसे केस में ये कुछ चीज़ें डली हुई हैं बीच में, जिससे कि आपको एक ही नोट्स दोनों जगह यूज हो जाए, बार बार अलग अलग की ज़रूरत ना पड़े। तो इसे वहाँ पर उसकी काम का है, अभी IFS वालों के लिए कोई मतलब का है नहीं। अब हम देखेंगे अपना अगला मुद्दा, जो मेन टॉपिक है अपना डायमीटर और गर्थ मेजरमेंट करने का। आप बात समझ में ही आ गई होगी आपको कि अपना पर्पज़ क्या आने वाला है, कि ये जो अपना पेड़ है इसका ऊपर ऊपर थोड़ा सकरा रहेगा, नीचे मोटा रहेगा, तो इसकी ये जो डायमीटर है ये मेजर करना या ये गर्थ मेजर करना। अब स्टार्टिंग की फेज में कि जो पेड़ है इसमें ये जो डायमीटर हम ले रहे थे या जो गर्थ की मेजरमेंट ले रहे थे, ये कहाँ किया जाए। हर कंट्री में जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन हुआ, हर कंट्री में अपने अपने राग अलाप रहे थे। जैसे कुछ हैं जो बोलते हैं कि हम जो पेड़ है, जैसे कि अगर इसमें देख लेते हैं आगे, कुछ का कहना है कि जो ट्री है उसका जो बेस है हम यहाँ पर लेंगे। बोले यहाँ पर लेने से क्या है कि पूरे को वॉल्यूम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। लोग सभी के सभी ये चाहते थे कि कोई ऐसा एक पॉइंट मिल जाए जहाँ से हम अगर इसका डायमीटर ले लें, मल्टीप्लाई इसकी हाइट से कर दें, अगर रेट टेपरिंग को हम इग्नोर भी कर दें, तो हमें एक मोटा माटी जो एक एवरेज वॉल्यूम है वो मिल जाए। यानी कि आप एक स्टैंडर्ड हाइट चाहते थे जहाँ पर डायमीटर और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके आप एक एवरेज वॉल्यूम निकाल लें। अब ये डायमीटर कहाँ मेजर किया जाए, जो नीचे कर रहे थे उनके साथ दिक्कत क्या कि उनके डाटा बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कुछ ऊपर कर रहे थे तो उनके बहुत कम आ रहे थे, तो इसमें एक सभी की अपनी अपनी खिचड़ी पक रही थी। बाद में एक, क्योंकि ये फॉरेस्ट्री डेवलप कहाँ से हुआ, जर्मनी में एक लेडी फॉरेस्टर थी, नाम तो मुझे भी याद नहीं उसका, तो वो लेडी ने क्या करना शुरू किया कि अब एवरेज हाइट तो वही रहती है, तो उसका जो ब्रेस्ट हाइट पे जो पेड़ थे उनका डायमीटर लेना शुरू। देखो क्योंकि लेडी थी इसलिए उसने उसे ब्रेस्ट लेडी के ही थे, तो उसने जो हाइट मेजर करना शुरू किया, उसको टर्म लिखना जो डाटा में था उसे बोलना शुरू कर दिया डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। तो ये DBH डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट जो टर्म है वो उस वजह से जर्मनी में पॉपुलर हो गया, क्योंकि इनिशियल वर्क उसी ने किए। पूरी फॉरेस्ट्री की जो अपनी है ये लगभग 80-85% जो फॉरेस्ट्री की ओरिजिन है वो जर्मनी से ही है, वेस्ट में और किसी ने इतना काम नहीं किया जो जर्मनी ने किया। बाद में इनका जो डाटा था, जो कॉन्सेप्ट था, धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, यहाँ से फिर फ्रांस में गया, फ्रांस से ब्रिटेन में गया, और ब्रिटेन से पूरी कॉलोनीज में गया, तो अपने यहाँ भी यही आ गया। अब अभी हाल फिलहाल में ये DBH के दो इशू चल रहे हैं। एक तो है कि जो मेजोरिटी कंट्री है जो कॉलोनी के अंडर रहे, ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर रहे, तो जो कॉलोनियल थे उनके हिसाब से क्या है, जैसे इंडिया है, बर्मा है, साउथ अफ्रीका है, USA है, और ब्रिटिश की जो कॉलोनी है ये अभी भी जो है 1.37 मीटर पे लेते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा कॉम्पिटिशन सा रहता है कि जर्मनी वाले इतने पे ले रहे हैं, हम इतने पे नहीं लेंगे, हम उनसे थोड़े ऊपर ही लेंगे। तो इन्होंने लेना शुरू किया 1.37 मीटर हाइट पर, यानी कि 4 फुट 6 इंच पे, जबकि जो मेजोरिटी जो कंट्रीज हैं और जो अपना FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक्सेप्टेड है 1.30 मीटर, यानी कि 4 फुट 3 इंच। अपने आप ये एक इशू आया था कि हम इस पर क्यों ना लें, FAO का जो चीज़ है उसी पर ले लेते हैं हम, इस पर क्यों अभी तक पुराने जो कॉलोनियल है रूलर की जो डाटा चल रहे हैं उसी पर चल रहा है। तो बाद में उस पर यह बोला गया कि देखो इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं, 3-4 इंच ऊपर कर दोगे 3 इंच नीचे हो जाएगा, इससे होने वाला कुछ है नहीं, लेकिन इससे होगा क्या,
डिपार्टमेंट का सिर दर्द बढ़ जाएगा। वो पिछले 50-60 साल में या 200 साल में जो रिसर्च हुए हैं उन सबको डाटा चेंज करना पड़ेगा आपको, तो काय को इतना हेडक लो, चल रहा है चलने दो। तो इस टाइप से अपने यहाँ दो डाटा आपको याद आ गए, ये डाटा समझ लो, बस ये कभी पूछने जाने वाली नहीं है, रिटर्न में तो पूछना नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि ये डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि आखिर के जो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट DBH का एक कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए, हमें आखिर इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर हमें एक वॉल्यूम निकालना हो तो एक हमें एक एवरेज पॉइंट चाहिए था जिससे इसका वॉल्यूम निकालना आसान हो जाए। इसके अलावा भी तीन चार और पॉइंट भी हैं, तीन चार और इशू भी हैं। उनमें पहला इशू यह है कि अगर हम इसमें जो हाइट मेजरमेंट है वो नीचे लेने लगे तो बार बार झुकना पड़ता था नीचे। अब एक बार झुकोगे, दो बार झुकोगे, चार बार झुकोगे, उससे क्या होता है कमर दर्द की दिक्कत बढ़ जाती है। तो डिपार्टमेंट सुबह से दोपहर तक मेजर करता है और दोपहर से शाम तक आराम करता है, 2 महीने बाद फिर वो हॉस्पिटल जाएगा। तो एक तो ये इशू हो गया। दूसरी दिक्कत, पेड़ों में क्या होता है कि नीचे का जो बेस है वो स्वेलिंग कर जाता है, फूल जाता है, तो वो भी दिक्कत के जो एक्चुअल में मेजर होना चाहिए उसके कंपेयर में ज़्यादा मेजरमेंट आ रहा है तो डाटा गड़बड़ा जाता है। तीसरा दिक्कत, यहाँ पर जो नीचे की एरिया में यहाँ पर घास फूस बहुत उगाती है, आप मेजरमेंट ले रहे हो कई बार वो भी लिपट जाते हैं, उसी में डाटा ज़्यादा आ जाता है, या फिर आपको मेजरमेंट करने से पहले उन्हें साफ करना होता है, साफ करोगे तो एक्स्ट्रा वर्क पड़ गया, तो ये एक्स्ट्रा लोड ना पड़े तो इसलिए भी आपने इसे पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा ये भी है कि आप चाहते हैं कि पूरा यूनिवर्सल सा पॉइंट हो जहाँ पर चीज़ों को मेजर करना थोड़ा आसान हो जाए और अननेसेसरी थकावट वाली चीज़ें हो गई। तो ये वो वजह थी जिस वजह से हमने DBH का जो कॉन्सेप्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब एक अगला आता है कि आखिर चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हम डायमीटर या गर्थ है, डायमीटर ही बात चल रही, चाहे उसे डायमीटर ले लो या गर्थ ले लो, बोला ठीक है हमने मेजरमेंट ले लिया, ये बात मान ली आपकी कि कोई भी पेड़ है हम उस पर जाएंगे और उसकी जो ब्रेस्ट हाइट है उस पर हम उसका डाटा मेजर करेंगे, बोला ठीक है इतनी बात एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जो जंगल है वहाँ पर पेड़ हमेशा आपको स्टैंडर्ड तो नहीं मिलेंगे, पेड़ों के साथ अपनी समस्या है, कोई टेढ़े हैं, कोई बाइफर्केट हो गए, कोई हिली की ट्रेन पे हैं, तो बोला इनका क्या किया जाए, किसी किसी में बीच में स्वेलिंग आ गई तो इनका कैसे मेजरमेंट किया जाए। तो इसके लिए फिर कुछ रूल दिए गए। अब यहाँ रूल के साथ थोड़ा डिफरेंस है, देखो हम इंडियंस हैं तो हम वही रूल को फॉलो करेंगे जो FRI के एक्सेप्टेड है, यानी कि FRI है जो हमारी जो इंडियंस बुक है जिन इनमें जो लिखा हुआ है हम वही एक्सेप्ट करके चलेंगे और वही चीज़ों को लिखेंगे। लेकिन यहाँ आपके स्टडी मटेरियल में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया गया है कि जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है जिसमें IUFRO जो है उसकी जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, ये जो डायमीटर निकाल रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है, ट्री का वॉल्यूम कैलकुलेट करना। अब क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चली गई है, वो अब पेड़ों को बिल्कुल बेस से काटने लगे, जबकि हम लोग पहले नहीं काट पाते थे, तो बेस से काटने लगे तो टिम्बर का वॉल्यूम अब ज़्यादा आपको बेटर तरीके से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बेस तक कैलकुलेट करने की ज़रूरत है जिससे वॉल्यूम सही निकले, क्योंकि अब पहले के कंपेयर में जो वुड का लॉस है वो कम हो गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम अलग है, अपने जो इंडियंस हैं उनका अलग है, तो आपको दोनों को ही यहाँ पर देखना है। लिखना आपको अपना इंडियंस का है लेकिन बीच बीच में एक आध दो जगह कोट कर देना उसे, तो वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ सामने वाला जो है वो थोड़ा दिमाग भी लगाता है, उसने पढ़ा है सब्जेक्ट की, समझ अच्छी है उसे, तो मार्क के चांस अच्छे लगते हैं। अब जैसे इसमें पहला है कि जैसे कोई पेड़ है वो सीधा खड़ा हुआ है, अब जब सीधा खड़ा हुआ है तो उसका डायमीटर या गर्थ लेना है तो क्या करना है, सीधा ले लेंगे हम लोग, जो भी उसकी हाइट आ जाती है अपने जो 1.37 है हम उसे 1.37 पे ही मेजर कर लेंगे इसकी। लेकिन मान लेते हैं कि अगर अपनी जो ज़मीन है वो ऐसी प्लेन है लेकिन पेड़ जो है वो ऐसा टेढ़ा है तो क्या किया जाए। तो क्योंकि देखो अपना वही है, इंडियंस जो है अपना पुराना सिस्टम चल रहा है कि हम लोग इसे कुल्हाड़ी से काटेंगे
तो जनरली हम इस हाइट पे काट देंगे इसे, तो ये तो लकड़ी इधर बर्बाद होने वाली है अभी। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इसे इधर से मजोल लेंगे, यानी कि इसे इस साइड से, जो जिस साइड झुका हुआ है उस साइड से हम इसे मेजर करेंगे, क्या DBH। अब DBH का मतलब ये नहीं है कि देखो हमारा पर्पज क्या है, हमें पेड़ से मतलब है। हम ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर खड़े हो गए तो हम अपनी ब्रेस्ट के हिसाब से हम हाइट मेजर करेंगे, नहीं, हम अपने हिसाब से नहीं दिखना, हम पेड़ के पैरेलल में ऐसे जा करके हाइट मेजर करेंगे, पेड़ के हिसाब से देखेंगे कि 1.37 कितना है। हो सकता है हमारी हाइट इतनी हो जाए लेकिन पेड़ के हिसाब से इतनी आएगी, तो हमें पेड़ के हिसाब से ही लेने हैं। आजकल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो IUFRO बोलता है, वो रिकमेंडेड करता है कि हमें पेड़ की हाइट इधर से लेनी है। क्यों? क्योंकि वो इस लकड़ी को यहाँ से काटेंगे, मैकेनाइजेशन हो चुका है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो यहाँ से लेंगे जिससे इसका वॉल्यूम सही से निकला, क्योंकि ये भी वेस्टेज नहीं होने वाला उनका, लेकिन अपना वेस्टेज होता है, इसलिए अपन उसका यहीं से लेते हैं जिससे अपना डाटा सही हो पाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपन को जब लिखना है तो अपन इस टाइप की पिक्चर बनाएं और यहाँ पर अपना लिख दें कि कहाँ पर लेना है। इसको ध्यान रखें कि हम इसे ऐसे नहीं लेंगे, हम इसे पेट्री के पैरेलल में लेंगे और वहाँ पर लिख दें IUFRO की रिकमेंडेशन ये है। तो इससे क्या थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है कि हाँ कुछ इसने किया हुआ। दूसरा है, सपोज पेड़ अपना सीधा है लेकिन ज़मीनी ढलान पर है, तो ज़मीन ढलान पे है तो अपन पेड़ के पैरेलल में 1.37 मीटर पे हम लोग इसे मेजर कर लेंगे। IUFRO क्या रिकमेंड करता होगा? ऑब्वियसली वो ज़्यादा वाले को करेगा, तो वो बोलेगा कि जो ढलान वाले पेड़ हैं हमें पेड़ को इस साइड से मेजर करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ अपने इंडियन स्टैंडर्ड क्या है वो अपना रहेगा कि अपन अपर साइड से मेजर करेंगे। तो आप इसे अपना अपर साइड का है, IUFRO का इधर है, एक दो की रिकमेंडेशन लिख देना अगर क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा हर एक चीज़ में अपन को रिकमेंडेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कंडीशन आती है कि मान लेते हैं कि अपना जो पेड़ है वो बीच में जिस हाइट पे हम लोग डायमीटर या गर्थ लेने वाले थे वहाँ पर वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, अगर वो फूल जाता है तो क्या किया जाए? क्योंकि अगर इसमें स्वेलिंग आ गई है तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि हम जो डाटा लेने वाले हैं वो गलत आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उसका एक तरीका ये है कि अगर स्वेलिंग आ गई है तो कोई बात नहीं, आप या तो उसके नीचे से ले लो या उसके ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो या उसके ऊपर से ले लो, इतनी कोई हैतौबा करने वाली बात है नहीं। दूसरा मुद्दा आता है कि पेड़ अगर बाइफर्केट हो तो क्या करें? तो उसका इशू ये है कि आपका पेड़ जो है, ये ट्री जो है, वो बाइफर्केट कहाँ है? अगर इसका बाइफर्केशन है ऊपर है, DBH हाइट हम यहाँ पर लेने वाला और ट्री ऊपर है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला, वो बाइफर्केट हो ट्राइफर्केट हो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इसका बाइफर्केशन जो है वो DBH हाइट से नीचे से हो जाए, तो इस केस में क्या है, बहुत सिंपल सा है, दोनों का DBH ले लेंगे, यानी कि हम इन्हें एक पेड़ ना मान के दो पेड़ मानेंगे। और अगर ऐसा हो कि जो बाइफर्केशन है वो बिल्कुल DBH की हाइट पर है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप नीचे से ले लो या ऊपर से ले लो। अगर नीचे से लोगे तो सिंगल ट्री मान लेना, ऊपर से लेते हो तो उन्हें दो अलग अलग ट्री मान लेना। एक और होता है, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि हमें एक स्टैंडर्ड हाइट इसलिए रिक्वायर थी क्योंकि ट्री में जो है वो बेस में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, और ये स्वेलिंग जो है वो एक्चुअल जो ट्री का वॉल्यूम है उसके कंपेयर में ज़्यादा डाटा मेजर करवा देता है, जिससे अपना जो वॉल्यूम कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाती है। तो फिर उसका एक तरीका ये निकाला गया कि खासकर जो ट्रॉपिकल वाले हैं, हम लोग ट्रॉपिकल में हैं, ट्रॉपिकल में कई बार ये जो है वो 5 मीटर हाइट तक चली जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो फिर इसका एक ही तरीका है कि ये स्वेलिंग जहाँ तक ख़त्म हो रही हो उसके ऊपर हम लेंगे, जहाँ स्वेलिंग ख़त्म हो जाए वहाँ पर हम इसे मेजर लेते हैं। ये जो रूल है कि हमें कहाँ पर मेजरमेंट करना है, उसमें एक ये भी बात लिखी गई है कि जैसे कोई पेड़ है उसमें इस टाइप के क्लेम्बर वगैरह लग रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जा कर के ले लिया, कम से कम क्लेम्बर विलेम्बर हटा लो जिससे अपना जो मेजरमेंट है वो सही आ जाए, गड़बड़ाए ना। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन है इसका 2011 का, डिस्क्राइब रेफरेंस पॉइंट ऑफ डायमीटर गर्थ मेजरमेंट। फिर डायमीटर और गर्थ मेजरमेंट के जो रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि जो DBH या GBH टर्म का मतलब समझिए, अगर हम लोग जो ब्रेस्ट हाइट है उस पर अगर डायमीटर ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, तो DBH
एच। और अगर वहां पर पेड़ की हम गर्थ ले रहे हैं, उसकी पेरिफेरी को मेजर कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं जी बी एच, गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट। तो ये बोलना है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या होना चाहिए स्टैंडिंग ट्री में, तो फिर आप उसको वही लिख सकते हो कि हम इंडिया में 1.37 है, ओवरऑल 1.30 है, 4 फुट 3 इंच और 4 फुट 6 इंच। फिर जो डिफरेंट कंडीशन है उनके बारे में लिख देना, अपना 10 मार्क आराम से हो जाता है। 2007 में आया था, 17 में, हाउ द जियोमेट्रिकल मेजरमेंट फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यील्ड आर मेड इन। ये वॉल्यूम यील्ड है, जियोमेट्रिकल मेजरमेंट फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम आर मेड बटरेस ट्री लीनिंग ट्री इन स्लोप। ये समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हम जो जियोमेट्रिकल मेजर करना है तो ऐसे ट्री में हम कैसे करेंगे। अब वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो हाइट, दूसरा डायमीटर। टैपरिंग एक अलग मुद्दा है, टैपरिंग को अगर नहीं भी लोगे तो एक ओवरऑल कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है, कम से कम हाइट और डायमीटर तो चाहिए। तो ऐसे केस में आपको इस क्वेश्चन के दो हिस्से बनाने थे, आपको एक तो लिखना था डायमीटर मेजरमेंट, दूसरा लिखना था हाइट मेजरमेंट। अब आप क्या कर लेते, एक साइड कंडीशन बना देते, डायमीटर कैसे मेजर करोगे, अपर साइड से लोअर, जो आपने अभी पढ़ा है कि पेड़ झुका हुआ है, पेड़ खड़ा हुआ है, जमीन टेढ़ी है, तो वो लिख लोगे, और फिर हाइट कैसे मेजर करोगे उसमें वो सारी चीज़ें। अगर टेबलर फॉर्म में भी लिख देते तो ज़्यादा अच्छे मार्क आ जाते उसमें। यहाँ पर अपने ये दो क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं अपने अगले मुद्दे पे कि जो अपना डायमीटर मेजरमेंट है उसके लिए हम कौन कौन से टूल यूज करने वाले हैं, यानी कि डायमीटर को कैसे मेजर करेंगे। डायमीटर के अपने तरीके होंगे, क्योंकि डायमीटर जो है, जैसे कि अपने पास कोई पेड़ ले लेते हैं, ये अपना पेड़ ले लिया है, इसकी ये मोटाई हो गई है, तो डायमीटर मतलब क्या हुआ, इसकी रेडियस का 2R, और गर्थ का मतलब है पेरिफेरी। तो हमें डायमीटर के लिए और पेरिफेरी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग टाइप के टूलों की ज़रूरत होती है। जैसे कि अपने पास जो टेलर टैप है या मीटर टैप है वो पेरिफेरी मेजर करता है, लेकिन जो कैलीपर होता है वो डायमीटर मेजर करता है। तो जो अलग अलग टैप है उनको अलग अलग टूल है, तो इस हिसाब से हम लोग जो अपने टूल है उन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कि एक वो मेजरमेंट कर रहा है गर्थ का, एक वो जो डायमीटर का मेजरमेंट कर रहा है। अब डायमीटर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो वो जो ब्रेस्ट हाइट पे डायमीटर मेजर करने के काम आते हैं, यानी कि सिंपल से टूल है। कुछ होंगे जो अपर स्टेम, अपर लेवल पे, थोड़ी ऊंचाई पे मेजरमेंट के काम करते हैं, जहाँ पर हम लोग आसानी से हाथ से नहीं पहुँच पाते हैं, तो अपर स्टेम डायमीटर के और ब्रेस्ट हाइट पे। तो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं और इसके कुछ अपने टूल्स हैं, एक एक करके इन टूल्स को स्टडी करेंगे, सभी को देख लेंगे उसमें। तो इनमें सबसे पहला जो अपना टूल आता है वो है जो अपने ब्रेस्ट हाइट वाले हैं उनमें, तो सबसे पहला आएगा अपना वुडन स्केल। वुडन स्केल एक टाइप से लकड़ी की एक पट्टी होती है। ये होगी क्या, जैसे अपना हाथ है, ऐसे लकड़ी के दो पीस रहेंगे, एक लकड़ी का ये पीस रहा, एक लकड़ी का ये पीस रहा, ऐसे दो पीस हो गए। इन्हें करते क्या, जैसे मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ये दो लकड़ी के पीस हो गए, ये बीच में यहाँ पर हिंज से कनेक्टेड होते हैं। अब इन्हें क्या है कि कहीं भी पेड़ मिल गया है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक पेड़ है, इसे मैं ऐसे जाऊँगा और ऐसे टिका दूंगा। ये एक्चुअल में मेरी साइड से ना हो करके यहाँ पर कोई पेड़ है, इसे ऐसे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि मुझे जो पेड़ है, ये पट जो स्केल है इस पर यहाँ पर कुछ लिखा होगा। अब एक्चुअल में इसमें जो स्केल में ऐसा नहीं लिखा होता कि सेंटीमीटर में काम चलाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतने छोटे छोटे चिल्लर काम में नहीं करता, वो पट्टी पे बैंड होते हैं। तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा बैंड है, 10-10 सेंटीमीटर के बैंड है, तो यहाँ से देख लेता है कि कौन सा कलर है, ब्लैक कलर दिख रहा है, रेड है, वाइट है, जो पट्टी यहाँ पर पेड़ है, तो जो पट्टी तक दिख रहा है यानी कि पेड़ का इधर का डायमीटर वहाँ तक है। फिर इधर देखेगा कि इस बैंड में कौन सी पट्टी है जो दिख रही है, क्योंकि रिमेनिंग पट्टी जो है वो पेड़ के अंदर ढक जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे ये अपना ट्री आ गया। अब यहाँ पर अगर अपन जो बैंड ले लेंगे, जैसे ये पट्टी को यहाँ पर स्केल को रख दिया और ये स्केल इधर होगी पीछे बैकग्राउंड में इसकी, तो यहाँ से जो आँख होगी ऑब्जर्वर है वो ये दिखेगा कि इसका कौन सा बैंड है दिख रहा है इसकी आँख से, और इधर भी देखेगा, तो इससे से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये पेड़ की ऐसे में डायमीटर इतना है, ऐसे में डायमीटर इतना है। अब ये वुडन स्केल पर अगर और कुछ लिखना हो तो ये बोल सकते हो कि इसमें दो लकड़ी के फ्लैट
प्लान है, यानी कि दो लकड़ी के पट्टे हैं। ये जनरली या तो 15 सेंटीमीटर बाय 15, अगर अपनी स्केल है वो 30 सेंटीमीटर की है तो ये 15 बाय 15 के होंगे। अगर ये 60 सेंटीमीटर वाली स्केल है तो ये 30 बाय 30 के होंगे। पर काम क्या है, ये मेनली अपना डायमीटर मेजरमेंट करते हैं। अब ये ट्री के डायमीटर तक ही काम नहीं करते हैं, स्टेम डायमीटर के साथ आगे हम जाके स्टेम डायमीटर भी लेंगे, स्टम्प डायमीटर, वहाँ पर भी काम करेंगे। स्टम्प क्या होता है, कोई पेड़ है अपने पास, बड़ा पेड़ रहा होगा, उसे जब काट देते हैं तो जो नीचे ज़मीन में ऐसा जो खड़ा सा ठूंठ बचा रह जाता है, उस ठूंठ को ही बोला जाता है स्टम्प। तो ये स्टम्प का भी डायमीटर अगर लेना हो तो आराम से वुडन स्केल से ले लेते हैं। अब हम लोग वुडन स्केल एक्चुअल में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो डाटा है वो थोड़ा एवरेज ही रहता है, लेकिन मेजरमेंट बहुत तेज़ी से होता है। आपको करना क्या होता है, कोई पेड़ मिला, टिकाया, देखा, इधर देखा, तो दो गार्ड यूज होते हैं। एक गार्ड बस पेड़ से टिकाया, बोला काली पीली, लग दूसरे में काली पीली, वो बोलता फटाफटा बोलता चला जाता है, और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड है, हाल डाटा लिखता जाता है। तो इससे जो मेजरमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन वुडन स्केल के साथ समस्या क्या है, लकड़ी का बना है, बारिश में कहीं चला गया डिपार्टमेंट वाले, फूल गई, जाम हो जाती है, लकड़ी फूल जाती है, तो वो सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरा इसमें आता है अपना कैलिपर। आप लोगों ने लैब वगैरह में स्टार्टिंग में स्कूल के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं कैलिपर को। यहाँ पर जो कैलिपर यूज होता है उसे बोलते हैं ट्री कैलिपर। ट्री कैलिपर जनरली पहले लकड़ी के बने होते थे, आजकल हम लोग इस टाइप के मेटलिक भी यूज कर लेते हैं। इसमें होगा क्या कि जैसे ये मेटल की है, ये तो रूलर बोलते हैं इसे, जो बड़ा सा डंडा है इसे बोलेंगे रूलर, ये हो गया रूलर। इसमें एक तो ये रहती है फिक्स आर्म, ये मूव नहीं करती, और ये होती है मूवेबल आर्म। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि आराम से इसे खोलते हैं, पेड़ पर लगा के चिपका देते हैं, तो ये भी क्या करेगा, इसकी डायमीटर दे देता है। तो एक टाइप से हमें ट्री कैलिपर भी डायमीटर दे देता है। ये ट्री कैलिपर को कई बार हम लोग मॉडिफाइड भी कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गर्थ है वो डायमीटर के हिसाब से आ जाएगी। आप लोगों को पता है कि जैसे पेड़ है, गर्थ क्या होती है अपनी, ये ट्री का है गर्थ होती है 2 पाई आर, यानी कि पाई इंटू 2 आर। 2 आर क्या है, इसका डायमीटर। तो अगर यहाँ पर जो डाटा लिखा है वो अगर डायमीटर है, अगर मॉडिफाइड जो आते हैं गर्थ कैलिपर भी आते हैं, गर्थ कैलिपर में क्या होगा कि यहाँ पर जो डाटा लिखा होगा वो मल्टीप्लाई पाई के मल्टीप्लाई में लिखा होगा। तो इस टाइप से उसमें जब मेजर करते हैं तो वो डाटा यहाँ पर गर्थ का देते हैं, ना कि डायमीटर का। तो इस टाइप से दोनों टाइप के कैलिपर आते हैं, गर्थ कैलिपर और डायमीटर कैलिपर। लेकिन जनरली जो कैलिपर है वो अपन को डायमीटर मेजर करके दे देता है। इसमें कुछ टाइप भी हैं इसके कैलिपर के, इन्हें यहाँ पर ज़्यादा मतलब की नहीं है, लेकिन अगर कभी कोट करने के काम में आ जाए तो देख लेना उसमें। जैसे कि इसमें है फ्लूरी कैलिपर, फ्लूरी कैलिपर फूल जाता है, मतलब ये बना होता है केवल लकड़ी का, इसमें लकड़ी का बना हुआ, जहाँ पर ये जॉइंट वगैरह होते हैं वहाँ पर हम ब्रास का यूज करते हैं। फ्रॉम ये पूरा एल्यूमिनियम का बना होता है। गर्थ कैलिपर जैसे इसका जो मॉडिफाइड है वो गर्थ कैलिपर होगा। तो तीन टाइप के तो कैलिपर ही हो गए। चौथा कैलिपर होता है ये ड्रेस ट्री कैलिपर, ड्रेस्टर कैलिपर। ये क्या होगा, वो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे खोल देते हैं हम लोग, इसे पेड़ से लगा देते हैं, तो जितना भी पेड़ होगा वो उसी हिसाब से बढ़ता है। तो ये यहाँ से आराम से जो डाटा है वो यहाँ पर आ जाता है, अपना मेजरमेंट हो जाता है। तो इस टाइप से 4 टाइप के कैलिपर हैं। अब इसमें एक तो कैलिपर पर यही आता है कि जब हम कैलिपर यूज करते हैं तो कुछ यहाँ सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैलिपर में क्या है कि ये जो मूवेबल आर्म है ये कई बार गड़बड़ कर देती है और अपना जो डाटा है वो गड़बड़ा जाता है। तो फिर आते हैं कि कैलिपर को यूज करने के क्या रूल होना चाहिए। रूल क्या है, सबसे पहले आप कैलिपर को प्रॉपर तरीके से खोल लें, फिर जो भी आपके पास पेड़ है उसे खोल के उससे लगाएं, जैसे ये है, प्रॉपर तरीके से खोल के उससे लगाएं। और जब लगाएं तो ये ध्यान दें कि ये वाला तो फ्रेम सही हो, ये वाला इससे टच हो जाए, स्टेम जो है उससे टच हो जाए रूलर, और ये वाला जो है मूवेबल आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो टेढ़ी टेढ़ी ना हो, टिल्टेड नहीं हो, क्योंकि अगर टिल्टेड होगी, बाहर को टिल्टेड है तो कम डाटा देगी, अंदर को टिल्टेड है तो ज़्यादा डाटा दे देगी।
तो ये टिल्टेड ना हो। सेकंड थिंग, रिमूव करने से पहले आप डाटा लिख लें, इसके बाद ही रिमूव करें। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई गैप ना बच रहा हो। दूसरी बात, अगर पेड़ इलिप्टिकल है तो दो बार डाटा लेते हैं, एक बार इसकी लंबाई में, एक बार मोटाई में। और एक बात और याद रखनी है कि अपना जो कैलिपर है, जब हम लगाते हैं, जैसे कि इसमें लगाए, यहाँ पर कैलिपर के जो दोनों फ्रेम है वो एक ही एंगल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नीचे को है एक ऐसे ऊपर है, टेढ़े ना हो, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो डाटा आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसके कैलिपर को यूज करने के कुछ रूल्स है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन रिक्वायर फॉर डायमीटर मेजरमेंट विथ कैलिपर। आपको कैलिपर से डाटा लेने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट है। तो प्रिकॉशंस हम यहाँ पर देख चुके हैं कि आपको पहले से पूरा ओपन करके लगाएं, इसे रूलर को इससे चिपका दें, इनके बीच में गैप ना रखें, ये इसको टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ये जो मूवेबल आर्म है वो सही हो, एलिप्टिकल है तो हमें दो बार डाटा लेना, ये सारी चीज़ें इसके इसके जो थे अपने प्रिकॉशन लेने थे। डिस्कस द एरर दैट अकर ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिकॉशन। अगर हम इन प्रिकॉशन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो क्या एरर आ सकते हैं। सीधी सी बात है, या तो डायमीटर ज़्यादा आ सकता है या डायमीटर कम आ सकता है, दोनों केस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि जैसे इसमें अगर ये इधर को टेढ़ा हो गया, ये इधर को खिसक गया, तो ये डाटा कम मेजर कर देगा, और अगर ये ऐसा है तो डाटा ज़्यादा मेजर कर देगा। तो कम और ज़्यादा दोनों ही आ जाते हैं। तो यही इसकी एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव ही आ जाता है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में डाटा कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा। जो फॉरेस्ट गार्ड जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कोई पीएचडी नहीं होते हैं, वो भी भाई घर चलाने के लिए जॉब कर रहे होते हैं, तो वो कभी ज़्यादा कभी कम। तो इससे होता क्या कि कभी ज़्यादा ले लिया कभी कम ले लिया, तो इससे होता क्या कि एवरेज वो एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो एवरेज डाटा अपना लगभग ठीक ठाक सही से आ जाता है। कैलिपर हो गया। अब आता है कि कैलिपर के आखिर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इसे यूज करने के। तो एडवांटेज में पहला क्या है कि देखो, इससे जो डायरेक्ट जो डायमीटर है वो डायरेक्ट सीधा लगा हो गया। जैसा वुडन स्केल है, वुडन स्केल में थोड़ा कई बार गलतियां हो जाती थी, इसमें तो वो भी होने के चांसेस है नहीं ज़्यादा। दूसरा, जैसे यहाँ पर ये स्केल लिखी हुई है, जंगल में जो हम लोग यूज करते हैं कई बार ये इस टाइप के नहीं होते हैं, वो लकड़ी के होते हैं और उन पर सीधा कलर बैंड बनी होती है, तो वैसे भी कर लेते क्योंकि हमें एवरेज से काम चलना होता है। तो एक एडवांटेज ये है कि ये सस्ते पड़ जाते हैं, कहीं भी बना लूँ, लकड़ी के हैं या मेटल के हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। बस एडवांटेज ये है कि अगर छोटे मोटे पेड़ों के लिए तो ये ठीक है, बड़े पेड़ के लिए हमें बड़े बड़े साइज़ के कैलिपर चाहिए पड़ते हैं, फिर वो हैवी हो जाते हैं। दूसरी दिक्कत है कि जब ये लकड़ी के बने होते थे, आजकल मेटल के आ गए, लेकिन पहले ये लकड़ी के होते थे, कभी मेजरमेंट करने के लिए गए, बारिश हो गई, ये लकड़ी गीली हो गई, गीली होने से क्या जाम हो जाती थी, फिर दिमाग ख़राब होता था, तो ये इनकी दिक्कत होती थी। नेक्स्ट है कि जैसे हिली टेरेन है, पहाड़ी है, पहाड़ी की कोई ढलान है, जैसे मान लेता हूँ मैं एक कोई ये पहाड़ी है, अब पेड़ जो है वो पहाड़ी की इस पीक पे यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप इधर से चढ़ तो गए हैं, अब इसके लेना है आपको, क्योंकि आपके जो ट्री है वो इलिप्टिकल में है, तो आपको एक तो मेजरमेंट आपको इस टाइप से लेना है इसमें, दूसरा आपको लेना है इसमें। तो कई बार क्या है कि हम लोग इधर से तो ले लेते हैं आराम से, लेकिन साइड से लेने में डर रहता है कि गिर ना जाए, तो वो दिक्कतें रहती हैं इस टाइप की हिली टोपोग्राफी में, इसका जो डाटा मेजरमेंट करना आसान नहीं होता। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव का जो एडवांटेज है कैंसिल हो जाता है, वो बताई दिया गया है। और इजी टू यूज अनस्किल लेबर फोर्स, उसे गिनती करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे मैंने बोला कलर बैंड यूज करते हैं, तो जो कम भी पड़े हैं ना लेबर जो है, फॉरेस्ट गार्ड के अंडर भी चार पांच लेबर डेली वेजेज पर लेबर पकड़ा दिए जाते हैं, तो वो भी आराम से कर लेते हैं, लाल पीली हरी गुलाबी, वो कलर बैंड जो है उससे काम चला लेते हैं वो लोग। अब देखते हैं अगला टूल, वो है अपना टैप। टैप जनरली गर्थ यानी कि पेरिफेरी को ही मेजर करता है, लेकिन जैसे हम कैलिपर को मॉडिफाइड कर देते हैं, कैलिपर डायमीटर मेजर करता है और उसको हम गर्थ कैलिपर में बना देते हैं, वैसे ही टैप जो है वो
पेरीफेरी यानी कि गर्थ को मेजर करता है, लेकिन हम लोग उसे मॉडिफाइड कर देते हैं और मॉडिफिकेशन का रिजल्ट आता है जिसे बोलते हैं डायमीटर टैप। हम ऐसे ही मेजर करेंगे लेकिन उसमें डाटा जो आएगा वो डायमीटर का आएगा, वो पाई का डिफरेंस वाला होता है। अब टैप पे फिर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि टैप के टाइप क्या है, तो आपने जैसे सिंपल से जो टेलर टैप है या जो नायलॉन क्लॉथ वाले हैं वो हैं, प्लास्टिक के टैप हैं, मेटलिक टैप हो जाते हैं। यहाँ पर सीधा गर्थ मेजर करते हुए दिखाई रहा है। दूसरा, इसके जो टाइप्स हैं वो मीटर के हिसाब से भी हो सकते हैं, 1 या 2 मीटर के हैं, 5 मीटर है, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर तक के टैप में आराम से मिल जाते हैं। एक और आता है कि जब टैप है उसको यूज करते हैं तो उसमें क्या हमें प्रिकॉशन की ज़रूरत है, जैसे हम लोगों ने कैलिपर में देखा था। क्योंकि टैप जैसे मेटलिक है, इनके साथ दिक्कत नहीं है, ये तो लगभग फिक्स जो मेटल है वो है, लेकिन ये जो अपने नायलॉन वगैरह के हैं, क्लॉथ वाले जो टैप हैं, इनके साथ दिक्कत क्या है, ये प्लास्टिक के टैप हैं, आप जैसे जैसे इन्हें यूज करते जाओगे धीरे धीरे ये हाइट इनकी बढ़ जाती है, लंबाई है वो बढ़ जाती है, और उसका रिजल्ट है कि आप बड़े बड़े पेड़ों का डाटा ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गलती स्लिटली कुछ मिलीमीटर की गलतियाँ कंटिन्यू हो रही हैं, और अगर आपने मॉडिफाइड कर रखा था तो वो गलतियाँ जो है वो बहुत डाटा में बहुत फ्लक्चुएसन ले आ देती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि टैप जो है वो बढ़े नहीं जब आप टैप को लगाएं। अब आपको ये भी पता है कि जो टैप है वो कैसा है, पट्टी सी होती है, तो जब आप लगाएं तो ये देखें कि पट्टी जो है इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक ही प्लेन में हो, ये जो टैप है वो बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा चिपका हो उससे, ऐसा नहीं कि उसके टैप के अंदर कोई फोल्डिंग वगैरह हो रखी हो, ऐसा फोल्डिंग वगैरह ना हो, एक ही प्लेन हो और सीधा सीधा चिपका हो, और टैप वाला इशू है और मेजरमेंट के इशू है। तो ये इसके थोड़े प्रिकॉशन है जरा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। टैप के एडवांटेज अपने लिए ये हो जाते हैं कि टैप में एक ही मेजरमेंट में अपना काम हो जाता है, एक मेजरमेंट ले लो, एक ही बार में लेना होता है, कैलिपर की तरह दो साइड से लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मेजरमेंट इसके लिए इनफ है। दूसरा एडवांटेज ये है कि हल्का है, जैसे टेलर टैप है, पॉकेट में डालो लिए चले जाओ, बिल्कुल जो फॉरेस्ट गार्ड है पॉकेट में पड़ा रहता है, कहीं भी जा रहे जहाँ ज़रूरत पड़े कहाँ है पेड़ मेजर कर लो, तो ये हल्का है, सस्ता है, कोई बहुत कीमती नहीं है, 5-10 रुपए के मिल जाते हैं, सस्ता है, हल्का है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, अगर प्लास्टिक का है तो बारिश का भी कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। बस नेगेटिव ये है कि कंटिन्यूस यूज करते रहते हैं तो उसकी हाइट जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, तो डाटा थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा इसमें दिक्कत ये होती है कि जो टैप है वो कई बार अगर टेढ़ा हो गया, जैसे कि अगर यहाँ पर जो मेजरमेंट हो रहा है अगर ये यहाँ पर हो गया या ऊपर हो गया, तो टैप कभी भी डाटा जो है वो कम नहीं देगा, हमेशा डाटा ऊपर ही देगा, चाहे कम के एक ही केस में दे सकता है जब इसकी जो हाइट है लंबाई है वो बढ़ जाए, तो वो इनकरेक्ट हो गया। अदरवाइज टैप का अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है तो या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, तो ये हाइट जो है यानी कि जो इसका डायमीटर जो भी दे रहा होगा ये वो एक्चुअल से बढ़ जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव एरर देता है, ये टैप के साथ एक सबसे बड़ा इशू है। तो इसकी जो पॉजिटिव या नेगेटिव है उन्हें देख चुके हैं कि एक तो इसकी इलास्टिसिटी का इशू है और पॉजिटिव एरर दे देता है ये। तीसरा ये भी है कि अगर पेड़ की जो बार्क है कहीं स्वेलिंग भी हो रही हो, कई बार पेड़ों में क्या अंदर से फंजाई लग जाती है तो थोड़ा फूल सा जाता है, तो जो अपने कैलिपर होते हैं उसमें क्या मोटी लकड़ी होती है, तो कई बार स्वेलिंग दिख गई ऐसे हुद्दी कर देते हैं, उसके साथ दबा दिया तो वो स्वेलिंग जो है वो दब जाती है, तो हमें आराम से एक डायमीटर सही से मिल जाता है। टैप में क्या होता हुद्दू वाला कुछ मोटा है नहीं, या तो फिर आप कुल्हाड़ी जो अपने हथौड़ा होता है उसे थोड़ा बहुत मार दो लकड़ी से तो हो जाए, नहीं तो टैप तो सीधा सीधा लगा रहता है। बड़े पेड़ों में एक दिक्कत और आ जाती है कि उनमें बार्क होती है, बार्क में कई बार ये टैप फंस जाता है, तो मेजरमेंट थोड़ा जता जाता है एक्चुअल से। तो इसके देख लेना प्रिकॉशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर एक अपना क्वेश्चन आया था कि कमेंट ऑन द कंपैरेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ कैलिपर एंड टैप फॉर DBH मेजरमेंट, कि टैप और जो अपने कैलिपर था उनको कैलिप कंपेयर करना था, कंपेयर में इसमें क्या पढ़ाया जाए। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके नोट्स में पहले से उसे डिस्कस कर दिया गया है पूरा, कि इंट्रो में क्या लिखे हैं, बॉडी में क्या लिखे हैं, तो आप वहाँ से आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अब अपन जाते हैं एक नेक्स्ट टूल की तरफ, ये है बिल्टमोर स्टिक।
अपने यहाँ तो यूज नहीं किया जाता, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में बहुत यूज किया जाता है। जो अपनी पटरी होती है, जो अपने स्कूलों में लेके चलते हैं, मास्टर भी दनादन चटकाता है, ये जो स्टिक है बिल्कुल वैसी है, उसमें बहुत सारा डाटा लिखा होता है। हो सकता है FRI में ट्रेनिंग के दौरान आपको मिले देखने को ये। इसमें करते क्या है, बहुत सारे की जगह काम ले लेते हैं इसे। ऐसी स्टिक ली, कोई भी पेड़ है, ये बंदा जैसे है पेड़ के सामने लगा दिया। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे पेड़ जो है, सपोज इन्होंने ये लकड़ी पकड़ेंगे इस कुन्ने पे, हाथ पकड़ लिया, यहाँ से ये देखेंगे कि अच्छा ये ट्री जो है उसका एक कुन्ना जो है, क्योंकि जो ट्री है हम देखेंगे तो उसका हमारी आँख के हिसाब से पर्टिकुलर एंगल बनेगा, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो ट्री है, ये हमारी स्टिक है, ये स्टिक जो है वो एक तो मार्जिन मेरी आँख से इसकी एक एज पे यहाँ पे जा रहा है, दूसरी एज पे यहाँ पर जा रहा है, तो जो यहाँ पर जो कवर हुई है कि यहाँ जीरो से शुरू होता है, यहाँ पर जितना डाटा आ गया वो उसका होता है डायमीटर। तो इससे हम लोग इस टाइप से डायमीटर मेजर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखा गया कि ये जीरो हो गया, यहाँ पर आ गया, तो ये डायमीटर अपना निकल आया। पिक्चर इसका आपको समझ में आई गई होगी, बिल्टमोर स्टिक की। बिल्टमोर स्टिक के बाद नेक्स्ट आती है अपनी व्हीलर्स पेंटा प्रिज्म। व्हीलर्स पेंटा प्रिज्म एक टाइप से अपने पास दो ट्यूब होती है, एक ट्यूब ये है, दूसरी ट्यूब ये है, ये इसके अंदर आती जाती रहती है। अब ये ऐसा टूल है जिसमें हम कहीं से भी किसी भी को मेजर कर लेते हैं। आजकल जो डिजिटल सेंसर बन रहे हैं वो इसी के कॉन्सेप्ट है बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि जैसे दो ट्यूब है, एक ट्यूब तो ये वाली रही, ये यहाँ से वाली, एक ट्यूब तो ये वाली रही, और दूसरी ट्यूब है ये वाली जो इसके अंदर जाती रहती है, आगे पीछे इसमें घुस जाती है। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पर सपोज जो है एक आदमी है, यहाँ एक होल से दिख रहा है, तो उस होल से देखेगा इस ट्री की एक साइड को। यहाँ पर रखा होता है एक प्रिज्म, वो प्रिज्म एक 90 डिग्री पे लाइट निकालेगा। दूसरा यहाँ पर कोई ग्लास लगा होगा मिरर, वो यहाँ से सीधा जाएगा, यानी कि इसमें एक तो प्रिज्म होगा और एक जगह थोड़ा मिरर सा होगा। अब इसमें क्या है कि बिल्कुल ये जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल 100% पैरेलल लाइन होगी, ये उसमें आगे पीछे करेगा तो बिल्कुल जो यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी वो बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगी, तभी ये इसे उसमें जो ग्लास होता है उसमें वो पैरेलल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसमें दिखता ऐसा है जिस इसका ऑब्जर्वर का ग्लास है, इसमें दो प्लान होते हैं, जैसे इसका ये पेड़ जो है उसकी एज इसे ऐसी दिख रही है, इधर उसका टिम्बर है, और ये नीचे वाला है वो इस टाइप से दिख रहा होगा नीचे साइड का, तो इसका इधर है इसका इधर, जैसे ये दोनों एक दूसरे से कट गए ये समझ लेता है कि हाँ फिक्स आ गया। तो इस टाइप से ये व्हीलर पेंटा प्रिज्म जो है वो मेजरमेंट का काम कर लेता है। व्हीलर पेंटा प्रिज्म ना केवल डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट एंट्री DBH लेवल पे इसका डायमीटर मेजर करता है, ये जो अपर स्टेम है उसे भी आराम से कैलकुलेट कर लेता है। तो इसे आप वहाँ पर भी पढ़ोगे अपर स्टेम वाले में। अपर स्टेम में अब देख लेते हैं इसके और टूल। इसमें अपर स्टेम में एक आता है अपना फिनिश पैराबोलिक कैलीपर, कैलीपर ही है फिनिश पैराबोलिक। इसमें क्या होता है कि जो अपना कैलीपर था उसमें एक थी फिक्स आर्म और दूसरी थी मूवेबल आर्म। इसमें कोई मूवेबल आर्म नहीं होती है, इसमें दोनों ही फिक्स है, ये बस स्ट्रेट है और ये थोड़ा पैराबोलिक आर्म होती है, टेढ़ी होती है, बस इसे डंडे पर लगा के ऐसे लगा देते हैं। कलर बैंड है तो ऑब्जर्वर को आसानी से दिख जाता है। नेक्स्ट इसी में आता है रूलर। रूलर क्या होता है, एक ऐसा फट्टा होता है लकड़ी का, पतला सा होता है, नहीं तो भारी हो जाएगा, लगभग 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का फट्टा हो गया, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिस और इस पर लिखे होते हैं कलर बैंड बने होते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, काली, गुलाबी, इस टाइप से कलर बैंड चलते हैं, जीरो से लेके इधर और जीरो से लेके इधर। ये फट्टे पे डंडा लगा होता है और बिल्कुल ये डंडे को ऐसे यूज करेंगे जैसे यहाँ पर ये लगा, यहाँ पर ये फिनिश पैराबोलिक न लगा के ये रूलर यहाँ पर चिपका देंगे। तो यहाँ रूलर रखने से क्या होगा, एक बंदा यहाँ पर लगा के खड़ा होगा, दूसरा बंदा जो लिख रहा होगा वो कुछ लंबाई पे होगा, वो दिख लेगा कि कौन कौन सा कलर बैंड है जो दोनों की एज पे उसे दिख रहा है, जो दिख गया वो लिख लेगा, यानी कि इसका अपर स्टेम अपन डायमीटर जो है आराम से मेजर कर सकते हैं।
एक और टूल है जिसे बोलते थे डेंड्रोमीटर। डेंड्रो का मतलब क्या है? डेंड्रो का मतलब है ट्री और मीटर का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो ट्री का मेजरमेंट ले। पहले सिंपल से ये जो जिसे बोलते हैं क्रैमर डेंड्रोमीटर, इसे यूज करते थे, डिटेल देखने की ज़रूरत है नहीं। आजकल इसके ऑप्टिकल आए थे, पहले बार एंड इंस्टीट्यूट जैसे, अब आ गए इसके डिजिटल इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर। ये जो इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर है ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिस पे अपना ये व्हीलर पेंटा प्रिज्म चल रहा था, उसी के हिसाब से ये डिजिटल वाले चल रहे हैं आजकल, जो अपना इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर है। तो आप बस पेड़ जो है उसके पास ऐसे जाते हो, बटन दबाते हो, थोड़ा करता है और पिंग कर देता है, और आपको उसमें पूरा लिख के डिजिटली आ जाता है कि इसकी पेड़ की ग्राउंड पे क्या हाइट है, और डिफरेंट लेवल पे जो हाइट है पेड़ की वो पूरी कैलकुलेट करके आपको तुरंत कुछ सेकंड में दे देता है। और ये क्योंकि एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है तो आराम से पता पड़ जाता है। इसी में कुछ और टूल हैं, जैसे उसमें एक है अपना रिलेस्कोप, रिलेस्कोप दो है, एक है बिटरलिच रिलेस्कोप और दूसरी है टेली रिलेस्कोप। सॉरी, यहाँ पर टेली की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक तो है बिटरलिच टेली रिलेस्कोप है, और दूसरा है स्पाइजल रिलेस्कोप। यहाँ पर फिर उस पर स्पाइजल रिलेस्कोप पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, इन्हें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे फॉरेस्ट इन्वेंट्री जब आएगी तब पूरा पूरा ये स्पाइजल रिलेस्कोप वहाँ यूज होने वाला है, तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बस यहाँ ये देख लेते हैं कि स्पाइजल रिलेस्कोप जो है वो अपर स्टेम डायमीटर मेजर कर लेता है, जैसे कि इसके फॉर्मूले वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो कि हाँ करता कैसे है। यहाँ पर ये कुछ देखेगा, कैलकुलेशन यहाँ हो जाती है, यहाँ से देखेगा यहाँ कुछ कैलकुलेशन हो जाती है। इसमें 6 बैंड होते हैं, वो बैंडों की मोटाई से अपन को पता पड़ता है, बैंडों से अपन मेजरमेंट इसके लेते हैं, फिर वो मेजरमेंट के बाद फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कॉस थिग्मा थीटा ये साई फाई लगा करके निकल आता है। इसमें अभी फंसने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ तक अपना जो था डायमीटर या गर्थ वो हो चुका है अपना, चाहे वो अपने ब्रेस्ट हाइट पे हो या अपर स्टेम पे हो। अब इसमें लास्ट अपना एक रिसेंट का क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ व्हीलर पेंटा प्रिज्म रिप्लेस एंड व्हाई, कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसने व्हीलर्स पेंटा प्रिज्म को रिप्लेस कर दिया। तो या फिर आपसे कुछ भी आ जाए कि ऐसा कोई टूल जिसने इन सारे टूलों को रिप्लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रायोरिटी होगी वो होगी डिजिटल की तरफ, क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो कुछ ऐसे डिजिटल टूल जो है उन्हें ढूंढ के रखो, और जब भी इस टाइप का कुछ अपग्रेडेशन का आ जाए उन्हें चिपका दो, अपना आंसर आराम से हो जाता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर अपन लोग क्या करने लगे, जैसे इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर है इसे देख लिया, इलेक्ट्रिक कैलीपर है, तो ये सारी चीज़ें, चाहे इलेक्ट्रिक कैलीपर है, इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर है, ये सारी चीज़ों ने जो पुराने टूल थे उन्हें रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये सीधे सीधे डाटा दे देते हैं। इलेक्ट्रिक कैलीपर में क्या होता है कि वहाँ पर सीधा डिजिट लिखी होती है, जब आप ट्री को ऐसे जैसे भी आप जाओगे वहाँ पूरा बिल्कुल एक्जैक्ट मिलीमीटर तक का डाटा आ जाता है, तो वो बहुत बेटर तरीके से डाटा दे देता है। अक्सर जो रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे कि हम लोग तराई रीजन में पंतनगर वगैरह में जो पॉपुलर में डायमीटर लेते थे, तो वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो उन सब में वो इलेक्ट्रिक डायमी जो है इलेक्ट्रिक कैलिपर है उसी को यूज करते थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर है उसको एक पिक्चर फॉर्म में समझाया गया है कि आखिर ये फोटो खींची और काम हो गया कैसे करता है। तो उसे ये देख लेते हैं कि जैसे मान के चलो इसकी इनने पिक्चर खींची, पिक्चर खींची तो पिक्चर कुछ पिक्सल से मिलकर बनी होगी, ये पिक्सल को बड़ा करेंगे, ये पेड़ बड़ा हो गया, और यहाँ पर पिक्सल को काउंट कर लेगा पेड़, वो ये देख लेगा कि कितने आखिर पिक्सल ये कवर किया है, उसे पता होता है कि एक पिक्सल का साइज क्या है, जितने पिक्सल काउंट किए उसने पिक्सल काउंट करके फटाक से बता दिया कि इस पेड़ का जो डायमीटर है वो यहाँ क्या है, यहाँ पर कितना है, तो पूरा गेम पिक्सल का हो गया है। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल है वो काम हो जाते हैं। यहाँ पर अपना जो बेसिक था इसका फॉरेस्ट मेजरेशन का वो हो चुका है, इसमें डायमीटर मेजर कर लिया है। अब अपना कल देख लेंगे इसके आगे के टॉपिक, पॉसिबल हुआ तो कल तक अपना ये फॉरेस्ट मेजरेशन है और इसकी आगे जो अपना रिमोट सेंसिंग उसे कल कंप्लीट कर लेंगे।